अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सागर की मशहूर रेसिपी तारली का खट्टा मिर्ची बनाने की तरकीब देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 kg तारली ली हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये सारी की सारी नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ी बचा लूँगी फ्राई के लिए। इस रेसिपी के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, चलें देखते हैं। मैंने यहाँ पर 4 जामुन टमाटर लिए हैं। ये टमाटर मीठे होते हैं, इसीलिए यही इस्तेमाल होंगे, और ये बहुत पक्के होने चाहिए। और ये देखिए, लहसुन की इतनी कलियाँ ली हूँ, और ये अदरक है। फिर मीडियम साइज़ की 1 प्याज ली हूँ। इन सारे मसालों को मैं एक साथ ही ग्राइंड करने वाली हूँ। इसके साथ साथ सूखे मसालों में काली मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी मेथी दाना और लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च लें, थोड़ी इमली, इमली के सारे बीज हटा लें। फिर ये है धनिया पाउडर, ये 2 टेबलस्पून जाएगा। अब काली मिर्च, ज़ीरा और मेथी दाने को हम लोग रोस्ट कर लेंगे। कितने अमाउंट में सारी चीज़ें लेने हैं आप देख रहे हैं। इसके साथ मैंने चंद पत्ते कड़ी पत्ते के इस्तेमाल किए हैं, ये भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट किए हुए मसालों को जार में डाल लेते हैं। उसी के साथ 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून मिर्च ली हूँ। मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से लें। जो लहसुन की कलियाँ बताई थी मैं, वो सारी डाल रही हूँ, और अदरक भी बारीक स्लाइसेस में काट कर डाल लेंगे। प्याज, टमाटर और नमक भी साथ में ही डालकर हम लोग पीस लेते हैं। ये सारे मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इमली धोकर रखी थी, ये इमली भी साथ में पीस लेंगे हम लोग। मसाला बारीक से अच्छी तरह से हमने पीस लिया। अब हम इस मसाले को बघारने के लिए खाने के 3 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और एक हरी मिर्च को बीच में से काट कर डालेंगे। साथ ही साथ इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये जो डिश है बहुत ही लजीज और चटपटी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली डिश है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर अपनी कंसिस्टेंसी सालन की जितनी चाहिए वो हिसाब से पानी को ऐड की हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से पानी ऐड करें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए खट्टा मिर्ची। जब सालन अच्छी तरह से पकने लगे, तो हम इसमें तारली फिश को डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि जब हम इस मछली को डाल देते हैं, तो चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे मछली टूट भी सकती है। इसीलिए हम जिस भी बर्तन में सालन बना रहे हैं, उसी को इस तरह से शेक कर देंगे, ताकि सारा मसाला मछली को लग जाए, और जहाँ पर मसाला नहीं लगा, उसे हम चम्मच की मदद से उस पर सालन डालकर इस तरह से रखेंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। देखें, 5 मिनट्स हो गए हैं,
ये हमारा सालन तारली का खट्टा मिर्ची रेडी है। देखें बहुत ही मज़ेदार सा तारली का खट्टा मिर्ची बनकर तैयार है। आप इसको चावल की रोटी के साथ या फिर चावल के साथ खाइए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।